तरबूजा तरबूजा 8 रुपए किलो है, तो तू ग्राहक को जब 8 रुपए किलो बताता है तो ग्राहक मांगता है 5 रुपए किलो, यानी कि ग्राहक को जो भी रेट बताई जाती है उससे घटाकर ग्राहक मांगता है, उससे घटाकर मांगता है। तो तू अपना प्लान लगाना, अपनी बुद्धि काम में लगा के 10 रुपए किलो बोल। 10 रुपए किलो ग्राहक तुरंत ही चला जाता है 10 रुपए किलो की सुन के। तो और खतरनाक हो गया है, 10 रुपए किलो की सुन के तो ग्राहक तुरंत ही चला जाता है, रुकता ही नहीं है। प्रॉफिट कर लेते हो भाई, दो पैसे हमको भी नहीं बचते तो फिर भाई क्या बात आया करने से। एकदम ठीक बात बोली तुमने, तो 40 रुपए के 5 किलो है और ग्राहक मांगते 25 रुपए। 4-5 किलो के फल है भाई। चल जर पूछा मतलब क्या, मतलब इसमें कितना लगभग कर लेते हो डेली का इनकम कितना हो जाता है तेरा? अभी तो भाई 200 रुपए हो रहे हैं डेली। 200 रुपए 200 रुपए होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते। यानी कि सुबह कितने बजे निकलता है घर से? सुबह निकलता हूँ मैं 7:30 बजे। 7:30 बजे निकलता है, या शाम को कितने बजे जाता है घर? 9 बजे घर पे पहुँचता हूँ। तो पहले 14 घंटे की ड्यूटी करने के बाद 200 रुपये मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर जो तरबूजे हैं वो 8 रुपये किलो हैं। कुछ दिन पहले यही तरबूजे आपको 15 रुपये किलो, 16 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिलते थे, लेकिन अभी अभी की जो रेट है बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, आधी रेट में मिल रहे हैं आपको। और यहाँ पर तरबूजे के साथ साथ यहाँ पर प्याज भी है, और कितना ही है। तो काम करके कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता भाई। अच्छा नहीं लगता? इसके अलावा और कोई काम करता है घर पे? करता तो हूँ मगर अभी फिलहाल बंद पड़ा है वो काम। क्या काम करता है? चूड़ी का। तो चूड़ी के काम में कितने हो जाते हैं डेली के? काम में तो हो जाते हैं भाई 500 हो जाए, 600 हो जाए डेली का, लेकिन मेहनत भी तो बहुत है। मेहनत बहुत है। सुबह कितने बजे उठना पड़ता है? उसमें तो भाई 3-4 बजे उठते हैं हम सुबह 3-4 बजे उठते हैं, फिर हम करते हैं 9 बजे तक। 9 बजे तक फिर उसके बाद करते हैं छटाई वगैरह बनाते हैं और थोड़े। चलो चलिए गाइस, तो हम आगे को चलते। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक बंदा यहाँ पर तरबूजे बेच रहा था, तो मैंने इससे पूछा कितने रुपए किलो हैं, तो इसने इसने मुझे बताया कि 8 रुपए किलो, यानी कि 40 रुपए के 5 किलो। फिर इसने मुझे बताया कि हम मैं ग्राहक को जब रेट बताता हूँ 40 के 5 किलो, तो ग्राहक मांगता है 25 रुपए के 5 किलो। तो यानी कि ग्राहक को जो रेट बताई जाती है ग्राहक उसको घटाकर और नीची रेट में मांगता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी मेहनत करके बेच रहा है तो इससे जो भी है वो लेना चाहिए, ठीक है? तो क्या बोलना चाहेगा? वीडियो बनवा, वीडियो है, वीडियो बनवा लो। क्या बोलना चाहेगा ग्राहक जो लेने आते हैं उनके लिए? उनके लिए क्या बोलूँगा भाई, उनको सस्ता लगेगा वहाँ से लेगा ग्राहक तो। तो तू भी तो सस्ता बेच रहा है ना? सस्ता बेच रहा हूँ मगर फिर भी ग्राहक को लग रहा है महंगा है ये भाई। माल में बेचने को कैसा है, कबाड़ा खरीद उठाकर ले जाते हैं। देख सकते हैं माल की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। पन्नी उतार के बताऊँ, ये देख सकते हैं गाइस क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। और इन लोगों